सभी दर्शकों को ऋषि पाल दून का नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर पहुँचे हैं गोविंद धाम। इस गोविंद धाम का आपको विस्तार से एड्रेस बताता हूँ। ये जुलाना से 2 किलोमीटर पर है और गतौली से भी 2 किलोमीटर पर है। अगर रोहतक से आते हो तो जुलाने का जो नया बस स्टैंड है आप उस पर उतरो। अगर जींद की साइड से आते हो तो गतौली से आगे जजबंती है वहाँ उतरो। वहाँ से बिल्कुल ये नज़दीक पड़ता है, आप पैदल भी आ सकते हैं। और इस गोविंद धाम में ये 15 दिन खुला होता है और 15 दिन बंद होता है। और इस धाम में एक सबसे विशेष बात है कि आपको जहाँ भी कोई हमारे महान पुरुषों की, शिवजी महाराज की, कृष्ण की, रामचंद्र की, हनुमान जी की कहीं भी आपको मूर्ति मिले तो इस धाम तक पहुंचा दो। या आप फ़ोन भी कर सकते हो एक जगह इकट्ठी करके, अगर भाई यहाँ से आप मूर्ति ले जा सकते हो। ये हमारा नंबर है चैनल के ऊपर, आप जब भी कोई मूर्ति इकट्ठी करो तो हमारे को सूचना दो, ये गोविंद धाम वाले अपने आप ले जाएंगे। और आज सत्संग है बहुत ही बड़ा, महीने में केवल एक बार सत्संग होता है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ जो आते हैं उनको बड़ी मन की संतुष्टि मिलती है। इस धाम के दोस्तों नियम बताता हूँ, जो भी यहाँ आवे सच्ची श्रद्धा से आवे, ईमानदारी से आवे, हर बुराई का त्याग करके यहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। ओका चा बीड़ी सकरत शाम मीट अंडा का यहाँ पर इस्तेमाल करना बहुत ही सख्त मना है और गुटके का भी यहाँ सख्त मना है। यहाँ केवल सच्ची श्रद्धा से आओ, ईमानदारी से आओ, और जो भी ईमानदारी से आएगा यहाँ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। देखिए हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? बबीता जी। कहाँ से हो? झज्जर से जी। झज्जर से, बहुत दूर क्या थे हो? हाँ जी, सुबह बस से आई थी। बस से आई थी। क्या हर महीने में सत्संग होता है? हर सत्संग पे आते हो? आज सत्संग में तो नहीं आती, एक साल से जुड़ी हूँ मैं। एक साल से जुड़ी हो? हाँ, तब से आने लगी। यहाँ गुरु जी किस तरह का उपदेश देते हैं जी? यहाँ देते हैं, दिव्य दृष्टि भी खोलते हैं। अच्छा जी। भगवान के भी दिखाते हैं। आपको क्या परेशानी थी जी? मेरे कोई परेशानी नहीं थी, मैं परमात्मा की भक्ति मली थी बस। केवल आपको तो यहाँ मन में आपको चेष्टा थी भी जरूर जाएंगे। और वो दिव्य दृष्टि मेरी खुली है। खुल गई जी? खुल गई, परमात्मा के दर्शन भी हो गए और गुरु जी आ तो मैंने बोल भी दिया। अच्छा, तो घर में सुख शांति कितनी है? सुख शांति मौज मौज है। मौजे मौज है सर। बचपन तक ही भक्ति थी। हाँ जी। बचपन तक ही, फिर ये आ गई, फिर इधर भाभी भाई आया करते इधर। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं इधर मका को ये पूर्ण गुरु चाहिए मेरे को अब। हाँ, फिर मैंने गुरु जी आते सारी बात बताई। गुरु जी ने बोला हाँ दर्शन हुए हैं। देखिए ये थी हमारी महिलाओं की यहाँ की रिपोर्ट। धन्यवाद जी आपका। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम पिंकी है। कहाँ से हो? दादरी से। दादरी से। कितने दिन से आते हो यहाँ पर? 3 साल हो गए। 3 साल से। क्या फ़ायदा मिला है यहाँ से? बहुत फ़ायदा। बहुत फ़ायदा मिला है, यानी पूरी गाड़ी भर की? सब कुछ भर रहा है, सब तो बड़ा मन में शांति होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने यहाँ आना शुरू किया वैसे आए कि या कोई परेशानी थी? थी परेशानी। वो परेशानी मिट गई? हाँ बिल्कुल। कितने दिन में मिटी? उसमें तो थोड़ा ही टाइम लगे, लेकिन यूँ है कि घर परिवार सब बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ सही हो गया। अभी आपको YouTube पे पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा झूठ नहीं बोलना? ना झूठ नहीं, जो बात वो सच्चाई बोलना। हाँ सच, ठीक है, आप किसी का बिक नहीं रहे, हम किसी का बिक नहीं रहे, सच्चाई बोलनी चाहिए है। और जो भी था, मन में भी कितनी शांति से, घर में भी शांति है, सब कुछ सही है, गुरु जी की कृपा है और दया है उनकी, बस यूं ही बनी रहे ये चाह। ठीक है, इसी धाम से बनी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा को। बड़ा कुछ नहीं है, अपने दौरे वही है जी। मूर्ति? हाँ। ओ, बहुत बढ़िया नाम है। हाँ, कहाँ से हो? कारोर से। कारोर से। हाँ जी। क्या परेशानी थी जी? मेरे पोते का परेशानी थी। अच्छा। सारा दिखा लिया, कति मेरा पैसा मेरे डॉक्टर ने खूब लूटा, कति खूब लूटा, वो मिट गई। ये किसी ने बताया था? अच्छा। उड़ धाम पर ले जाओ। अच्छा जी। आने के बाद ना तो पोते का कोई परेशानी। अच्छा जी। और ना कुछ है। और मेरा एक्सीडेंट में कभी चूरा हो रहा था। अच्छा। मैं गैस के लिए ऑटो में। हाँ जी। ये बोला बेबी मैं है ना तो खाटो में पड़कर नहीं सड़न दूंगा। हाँ जी। हाँ। गुरु जी कृपा तो ना कुछ लिया ना दिया, और मैं तो कभी लामड़ी भी करूँ हूँ और सब कुछ। 4 साल तक आप मत के जवानी आएगी, बस कुछ भी कर लो गुरु जी की उस तरह, और विश्वास पाऊँ हूँ। ठीक है, इसी धाम से बने रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी? संतोष है जी। संतोष जी। नाम नाम है कि भीतर में भी संतोष है? मैं संतोष है जी। बड़ा है संतोष? बड़ा संतोष। कहाँ से हो? कारोर से। आप भी कारोर से? कारोर से बहुत आती है, क्या बात है।
क्या कारो में सारी बीमारी तो नहीं कोई ना जी? क्या परेशानी थी आपको जी? घर में ही दिक्कत थी। वो मिट गई? हाँ मिट गई। तो हमारे दर्शकों को ये बता दी घर में क्या दिक्कत थी? ये जो मेरी सास है ना, दो थी वे, हाँ जी, वह तकलीफ दिया करती, बच्चे नहीं छोड़ती थी वह। अच्छा। और हर एक चीज में परेशानी रखा करती वह। ओहो, बहुत बड़ी दिक्कत थी आपको। बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ से मिट गई सारी? यहाँ से सारी ठीक। ऐसी क्या जादू की पुड़िया दे दी गुरु जी ने? गुरु जी ने बताया नहीं, भगवान हमारे लिए दी है। भगवान आपके लिए ठीक है। इसी धाम से बने रही और आपका घर में प्यार रहे, शांति रहे। छोरा ब्याह आ गया, छोरी का रिश्ता हो गया, पर हमें सुख शांति सब क्या है कि मौज मौज रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी कहाँ से हो? उठी से जी। उठी से कितने दिन से आओ यहाँ? मैंने दो भी नहीं हो गए। दो भी नहीं हो गए जी। वैसे आकर देख सत्संग सुनने के लिए कोई परेशानी थी? नहीं ठीक है जी। वैसे सत्संग सुनने मेरे ताऊ के साथ आया था जी। मैं अच्छा ताऊ के साथ आए। हाँ भाई साहब मेरे को परेशानी थी जी, मैं 5 साल हो गए जी। कहाँ से हो? गाँव खरकड़ा जिला रोहतक। ऐसा गुरु जी क्या संदेश देते हैं यहाँ पर? क्या संदेश देते हैं गुरु जी? गुरु जी परमात्मा के ध्यान लगाओ जी। अच्छा जी। और जो गुरु संगत है उनसे अच्छा छुटवाते हैं अपने आदमी तुम्हें कुछ के साथ। तो यहाँ से आपको फायदा होया कोई? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ जी। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, इसी धाम से बने रही और भगवान आपको सुख शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सुनाई हमने गोविंद धाम की जो रिपोर्ट थी। और आपको विशेष बात बता दूँ, अगला जो सत्संग होगा 5 मई शुक्रवार का दिन पड़ता है, सत्संग प्रवचन में भंडारा दोपहर 12 बजे गोविंद धाम गतौली जी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए और इस धाम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ गोविंद धाम से टोरा दून के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।